नाटकों व्यूवर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज सबसे पहले तो मैं व्लॉग में आप लोगों को न्यू बंदों के साथ इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा। ये तीन बंदे मेरे साथ जा रहे हैं, ये हमजा भाई हैं, ये हमाद भाई हैं, मेरे हम नाम हैं, मेरे ये क्लास फेलो हैं, और ये हैं अदरीस भाई। तो सीन ये है कि हम इस टाइम जा रहे हैं यूनिवर्सिटी, ये रात का वक्त है। तो रात के वक्त हम इसलिए जा रहे हैं कि टाइटल तो आपने देख लिया होगा कि हम जा रहे हैं इस टाइम पिज़्ज़ा पार्टी। पिज़्ज़ा पार्टी भी उसके उस खुशी में कि मेरी और अदरीस भाई की स्कॉलरशिप लगी हुई थी, उसकी इंस्टॉलमेंट आई है, तो हमने कहा कि ना पिज़्ज़ा पार्टी करते हैं। तो जा रहे हैं हम मालूम मुल्तान, अभी देखते हैं जाके कि पिज़्ज़ा हमें सही लगता है या कोई और चीज़ हम ऑर्डर करते हैं। तो हम यूनिवर्सिटी इसलिए आ रहे थे कि स्टूडेंट बंदे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ को हम ज़ाया नहीं करते। तो शटल आ रही है 6:30 बजे, 6:30 बजे शटल आनी है। अभी इस टाइम 6 बजे का टाइम है, तो 6:30 बजे शटल आएगी। तो उस शटल पे बैठ के हम, शटल मीन बस आएगी यूनिवर्सिटी की, वो जाती है मालूम मुल्तान से गुजर के जाती है 9 नंबर वाली साइड पे, उस पे बैठ के हम जाएंगे मालूम मुल्तान। तो अभी देखते हैं क्या सीन बनता है, आगे चलते हैं। देखें मेरे साथ जुड़े रहें, व्लॉग को स्किप ना करें, इंशाल्लाह इंटरटेनमेंट वाला व्लॉग होगा। अभी तो ये सारे तीनों बंदे खामोश हैं, लेकिन इनको बुलवाऊंगा मैं, इन्हें रिपोर्टर भी बनाना है, इन्हें प्रोड्यूसर भी बनाना है, इन्हें एडिटर भी बनाना है। क्लास के सीआर, वैसे ये हमजा हाल के पास ही हम खड़े हैं, ये जा रहे हैं अपने प्रोफेसर के साथ। यहाँ पे एक मेम बन सकती है कि हमजा और कारी साहब। आगे लाइट आ रही है इसलिए ख़राब हो रहा है काम। ये हमजा और कारी साहब जा रहे हैं। पूछते हैं कि क्या सीन हुआ भाई, आप क्या सीन हुआ है कारी साहब के साथ, आप जा रहे थे। ये हमारे एंटोमोलॉजी के थ्योरी के सर हैं, इन्होंने अपना टाइम टेबल एडजस्ट करवाना था ट्यूसडे वाले दिन, तो उस बारे में डिस्कशन किया। अच्छा, हम तो कुछ और ही समझे थे और ऑडियंस भी कुछ और समझ रही थी कि पता नहीं क्या सीन। हमारे रिस्पेक्टिव सर हैं, आप किस बारे में, आप यूनिवर्सिटी में सर को क्या दर्जा देते हैं, अल्लाह माफ करे, कैसी सोच है आप। हमजा और कारी साहब वाला सीन बन गया, इसलिए जहन में आ ही जाता है ख्याल यार बंदे के, ऐसा कोई सीन फिर अलग भी लगे। अच्छा अच्छा, फिर आप अलग चले गए, इधर भी तो टाइम टेबल सेट करने की बात कर सकते थे। सर को जाना था तो रास्ते में सर ने कहा चले आगे तक बात कर लेते हैं। क्या बात है, आगे तक कितनी आगे तक गए हैं आप? बस कोई 20 से 25 फीट। ठीक हो गया, आफ्टर 10 ईयर शटल आ रही है। 2 नंबर ही है ना, 2 नंबर ही है ना जी। तो व्यूअर्स, शटल आ गई है हमारे पास, तो ये आप लोग देख सकते हैं। मैंने आप लोगों को कहा था कि स्टूडेंट अपॉर्चुनिटीज को ज़ाया नहीं कर रहे, देख लें सारे स्टूडेंट जा रहे हैं घूमने घूमने या कोई साइड पे हॉस्टल होते हैं आवाम के। ये टैलेंटेड लोग भी होते हैं अकेले घूमने फिरने के लिए, आवाम नहीं जाती 6 नंबर वाली साइड पे। ये टैलेंटेड बच्चे होते हैं, कोई एमफिल कर रहे हैं, ये भाई के एमफिल के थीसिस हैं, ये देखें मेहनत कर रहे हैं, बीजीयू में बहुत टैलेंट पड़ा है माशाल्लाह। ऐसी बात नहीं है कि सारे घूमने जा रहे हैं 6 नंबर वाली साइड पे। हम फ्री में पहुंच गए हैं मालूम मुल्तान। अदरीस, कोई चीज़ नहीं पसंद आई है क्यों, की सीन है? पैसे बहुत ज़्यादा हैं, कुछ ही बोल रहा यार थोड़ा यार। मेरे पास पैसे कम है यार, रेट बहुत ज़्यादा है। इतनी ज़्यादा स्कॉलरशिप आ रही है फिर भी नहीं साथ, मेरी जेब नहीं साथ दे रही है। हमारा भाई क्या सीन है हमजा, कुछ है नहीं खरीदनी? मैं अभी पसंद कर रहा हूँ। अभी पसंद कर रहे हो? नहीं, वहाँ पे ले लो 37 रुपए का बेल्ट पड़ा था, वो ले लो। निज़ाम चेक करें, 37 रुपए का बेल्ट है। हेलो, माफ करें भाई, यहाँ पे हम बस विंडो शॉपिंग कर सकते हैं जो हमने कर ली है। एक और इडन रूम ब्रांड पे विंडो शॉपिंग करते हुए अदरीस भाई, कुछ है नहीं लेनी है कि भाई मेरी जेब भी नहीं साथ दे रही यार, अलग बंदे बहुत महंगाई है, कोई ट्रीट भी देनी है तुझे अपन ने। हां भाई, पैसे भी लगाने हैं यार, हमने ट्रीट भी देनी है। हमजा, इतो कोई शायद नहीं पसंद आई, तू कह रहा है अगली शॉप तो कोई शायद लेनी है। अभी पसंद कर रहे हो? अभी पसंद कर रहे हो? इंशाल्लाह। क्या सीन है यार, देख ले इनका, इसका काम चेक कर। फ्लोर पे विंडो शॉपिंग करने के बाद हम तीसरे फ्लोर पे जा रहे हैं, बल्कि पहले फ्लोर पे शॉपिंग करने के बाद हम दूसरे फ्लोर पे जा रहे हैं ना, दूसरे फ्लोर पे जा रहे हैं शॉपिंग में। इधर देखते हैं कौन से ब्रांड में हम जाते हैं विंडो शॉपिंग के लिए। अगला नंबर इसका है लेजर क्लब का। इधर जा रहे हैं, इधर जाके देखते हैं क्या सीन है, इनके क्या रेट्स हैं। ये आप लोग शर्ट चेक कर लें, टी शर्ट है 2900 रुपए की, 2900 में हम 2 पेंट शर्ट लेते हैं।
देख ले, इसलिए ये राज है, इसलिए हम इधर जाके ना खरीद फ्लोर पे जाते हुए अब इधर से देखते हैं कि इधर कहाँ पे जाना पड़ेगा। जाना है हमने विंडो शॉपिंग के लिए, आपको ब्रांड का सीन दिखाते हैं कि ब्रांड का सीन है क्या। यार ये एक न्यू चीज असली सेल। यार ये न्यू एडिशन हो गया। यार भाई कह रहा है कि वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, कैमरा बंद कर दे। तो व्यूअर यहाँ पे टैटू शॉप भी ओपन हो गई है दोबारा, तीसरे फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे। इधर यार कहाँ जाना है, कौन से ब्रांड में जाना है हमने? वो डॉलर शॉप पे जाते हैं, बना लें जी। तो व्यूअर ये आप लोग देख सकते हैं कि थर्ड फ्लोर पे देख लें टैटू शॉप। मैंने पहले आपको बताया था, पहले भी आप इधर बैठे थे, पहले की बंद की थी आपने? पहले नहीं बंद की, वो खत्म हो। अच्छा अच्छा, ये पहले जो थी वो शॉप खत्म हो गई, अब न्यू शॉप बनी है ये टैटू शॉप थर्ड फ्लोर पे मालूम होता है। हम तो भाई पहली बार आए हैं मालूम मुल्तान है। और ये कह रहे हैं कि ये भाई के साथ बनानी है वीडियो, ये अंकल जी खड़े हैं इनके साथ वीडियो। चल 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 चल, इधर से जा ना, किधर से जा रहे हैं, इधर से जा। हाँ वही कह रहा हूँ, इधर से चला जा, क्या सीन है। ये तो कुछ ब्रांड भी बना, तो इधर आते हैं वापसी पे, आपको वापसी भेज कर। फाइनली हम पहुंच गए इस टाइम फोर्थ फ्लोर पे। अब सोच रहे हैं कि कौन से ब्रांड पे जाया जाए, किसी ब्रांड पे जाके आपको बताते हैं कौन से ब्रांड पे बैठे। अभी इस टाइम हम अल कैफ पे जा रहे हैं, अल कैफ पे कहते हैं पिज़्ज़ा खाना है, पिज़्ज़ा का चक्कर है। और दूसरा सीन ये है कि नवीद का वेट कर रहे हैं, नवीद आएगा तो फिर सोचते हैं, फिर चेंज भी हो सकता है हमारा प्लान, क्या सीन है, जो भी सीन हुआ भी देखते हैं। नवीद भाई पहुंच गए हैं। नवीद भाई कैसा रहा आपका सफर? अच्छा रहा, बहुत दूर से भाई ने हमारे लिए टाइम निकाला है। ये सीन ये है भाई, बताएं अब क्या सीन है। अच्छा एक राज की बात बताऊं, बाइक ना एफ ए कर रहे थे तो दो तीन बार ना इनकी इंग्लिश नहीं क्लियर हो रही थी। तो सीन ये बना है कि कोरोना आ गया, कोरोना ने मेहरबानी की है, जिन पेपरों में पास हुआ है ना खुद पेपर दे के, उनमें मार्क्स कम है, और इंग्लिश में जो कोरोना ने मेहरबानी की है उसमें मार्क्स इंग्लिश में ज़्यादा है। ऐसे भाई ने एफ ए क्लियर किया है, क्या चीज़ आर्ट। एक नवीद भाई की तरफ से, नवीद भाई कौन सा हुआ है आपकी तरफ से? अलकैफ स्पेशल हुआ है। चलो भाई आप लोग सिलेक्ट करो, क्या सीन है। सोच रहे हैं, जजेस बैठे हैं, अब फैसला करेंगे कि वोट किसके हक में देना है। चलें, ये दूसरा सिलेक्ट किया है, वोटिंग हुई है। ये अंग्रेजी मेरी भी कमज़ोर है, लबिस्ट्रो ब्रांड मंगा रहे हैं दूसरा। ये दो सिलेक्ट किए हैं, लबिस्ट्रो और अलकैफ स्पेशल। इनको खा के इसके बारे में रिव्यूज़ भी देते हैं, कैसा रेस्टोरेंट है। बैठे नहीं है, इन्होंने खुद दिखा के हम ऐसे बैठे। अदरीस भाई के पैसे भी अब भर बैठा हूँ, और सुबह से नाश्ता किया, इतनी देर हो गई, अभी तक पिज़्ज़ा नहीं आया। बैठी है हम इंतजार में, पिज्जे के इंतजार में। मैं और नवीद कुंडी करने आए हुए हैं मालूम, साइड पे ऐसे निकल जाते हैं हल्के फुल्के। और नवीद भाई की खासियत ये है, एक बुरी आदत जो मुझे लगती है, पता नहीं ये बुरी है या अच्छी है, जब भी इसने किसी पब्लिक ऐसी जगह पे जाना होता है ना, या जहाँ भी जाना होता है, ये वाशरूम जरूर पब्लिक टॉयलेट जरूर यूज करते हैं। ये हमारे लिए पिज़्ज़ा लेके आ रहे हैं, और यार अहमद भाई बहुत पिज़्ज़ा आपके लिए हाजिर है। अहमद भाई खुश भी बहुत लग रहे हैं माशाल्लाह के। हाँ पैसे तेरे लगे हैं। इधर की बनेगा यार अपना, करो 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 ओपन करो यार। इधर सीन जो है कि फोक्स एंड नाइव्स नहीं मिलते, देसी तरीके के साथ खाना पड़ता है पिज़्ज़ा। तो डाइनिंग वाला सिस्टम है, कोई भी नहीं देता फोक्स एंड नाइव्स, ऐसे खाना पड़ता है। नवीद भाई से, बल्कि सबसे पूछ रिव्यूज़ लेते हैं कि अल कैफ के क्या रिव्यूज़ हैं, पिज़्ज़ा कैसा लगा जानी? फ्री में खाया तो अच्छा ही था। अच्छा
नहीं अगर फ्री में ना खाते अपने पैसे भरने होते तो और भी ज्यादा अच्छा होना था। सही है। हाँ भाई तू दस क्या सीन है? ओके की रिपोर्ट है भाई। ओके की रिपोर्ट है, आना चाहिए आवाम को इधर। हमारे भाई क्या सीन है? पीजे का गुजारा नहीं हो यार। गुजारा हमारे ग्रुप में सबसे ज़्यादा खाना खाने वाला ये बंदा है। ये वो बंदा है जिसने एक नाश्ते में 11 पराठे खाए थे एक दिन। बंदा भाई आप बताएं, गुजारा हो गया। गुजारा का क्या मतलब है? अच्छा नहीं था, टेस्ट अच्छा था ये बताओ। टेस्ट अच्छा था लेकिन क्वांटिटी कम थी। चलो जी क्वांटिटी का कुछ करते हैं भाई, कोई और चीज़ खाते हैं। मेरे ऊपर चढ़ना होता है पहले बंदे को ट्रेन किया जाता है कि भी आपने डांस वगैरह करना है, फिर उसके बाद वाला बाद सीन होता है जो भी वीडियो वगैरह आपको दिखाने। शॉपिंग की है, परफ्यूम खरीदा है। माशाल्लाह भाई कौन सा ब्रांड खरीदा है? यार ये लिखो ना J. अच्छा इसके पैसे भरे हैं आपने? जी जी इसके पैसे भरे। सही है। कितने पैसे भरे हैं? पता नहीं उन्होंने कितने नहीं बताया नहीं उन्होंने कि कितने नहीं है। 2100 जी स्ट्रीक जा रही है कि जी J. का परफ्यूम खरीदा है। 2125 नवीद के लगे और हमजा भाई स्ट्रीक भेज रहे हैं कि जी J. से शॉपिंग कर लिया आज हमने। ये ऐसे पूरा का पूरा गार्डन लगाया हुआ है इन्होंने शॉप के अंदर। ये चक्कर है, क्या निज़ाम है, नर्सरी पूरी लगाई हुई है नर्सरी। सेल करते हैं यार, पूछना पड़ेगा। आर्टिफिशियल लगाए हुए हैं, सेल नहीं करते ना ये बढ़ते। वेट कर रहे हैं, केड़ी लानी है? यार ये शायद मेरे को खुल रहा है काला वाला। 15 नहीं 14.5। ओ यार ये कौन इन काला चेक करें? ओदो कौन चेक करा रहा है? 15 वा 16.5। एक और बंदा शॉपिंग के लिए आया हुआ है। 15 तू कहना टाई लानी है? तू कहना टाई लानी है यार? यार अगर टाई नहीं टाई अगर टाई नहीं पहननी तो ये भी चलेगा। बाकी चेक करके ट्राई करके देख ले। भाई ट्राई करने जा रहे हैं 14.5 का कलर है, लेकिन शर्ट जो पसंद आई है वो 15 नंबर आई है। इधर आएगा और ये भाई 15 नंबर शर्ट अंकल वाली पसंद करके बैठा है। मुझे मेरा तो दिल टूट गया है, मेरी शर्ट एक ही पसंद है ऐसे पूरे। चलो कोई नहीं, इतनी पड़ी है इतनी, उनमें से देख लो, किसी और में से देख लो। सुजाशे यार ये जो आप खड़े हो ये देखो 16, 15.5, 16.5 ये आपका साइज ही नहीं है, ये अंकलों की शर्टें पड़ी है। यहाँ से देखें ये है 14.5, ये है आपका साइज। इनमें से ट्राई करो, इनमें से चेक करो। मैंने
चेक में जैसे वो मजा करा रहे हैं। ये देखे ना ये शर्ट भी कितनी औसम है, डिसेंट कलर है। देखे ये व्यूअर्स बताएं कितनी प्यारी शर्ट है। ये सब पसंद नहीं आ रही लंगूर को। ये देखे इसने जो ब्रांड पहना हुआ, इसके ब्रांड को देखे, ड्रेसिंग देखें, बच्चे की सिलेक्शन देखें, इलेक्शन देखें, करेक्शन कनेक्शन देखें। चलो कोई और देख लो आ रहा हूँ। अद्रीस भाई को ये दो शर्ट पसंद आई हैं, एक 14.5 एक स्मॉल। ये मीडियम लेने को भी चक्कर में था भाई। कैसी फीलिंग है अब आपको शर्टें मिल गई? पैसे लगने फीलिंग तो बहुत अच्छी आएंगी यार, आपको तो पता है। पैसे लगने के बाद फीलिंग अच्छी आ रही है? अच्छी आती है, वो समझा करें ना, वो मेरे अल्फाज को समझा करें। अच्छा अच्छा, मतलब दर्द को समझे आप, मेरी बातों पे ना जाए, मेरे दर्द को समझे, मेरे अल्फाज पे गौर करें। सही है सही है, चले बिल करवाएं। कितने की है ये? कितने की है ये? कितने की है ये? जी 1700 वाली है, 1700। हाँ अब बताओ अब कैसी हालत है? ये जो वापस करने जा रहे हैं बेचारे का बार बार दिल टूट रहा है। अब 1700 वाली शर्ट लेके कहाँ जाएंगे? इससे अच्छा तो ब्रांड से ले लेता है। मैंने समझा था 1100 में, लेकिन ये मैंने जब देखे बाद में तो मुझे पता लगा ना भाई देखने साथ देते। ठीक है सही, अच्छी बात है, अच्छी। लेट्स ट्राई अगेन कि अब कौन सी शर्ट पसंद आती है। बात पे अमल करते हुए ये शर्ट ली है, उम्मीद है अच्छी लगेगी। इदरीस भाई आपको अपनी पसंद की शर्ट नहीं मिली, मेरी पसंद की ले रहे हैं, अब आपकी क्या फीलिंग है? मैंने कहा यार आपकी पसंद की भी ले रहे हैं यार, आपने जो सजेशन दिया है यार अच्छा, हाँ उस पर यार अमल दरामद करते हैं यार। और उम्मीद होगी ये है कि हम हैं हौसला, मैंने भी ये यूज़ करनी है, मुझे बहुत पसंद आई। मैंने कहा चलो अगर ये नहीं यूज़ करेगा तो मैं यूज़ कर लूँगा। हाफ हाफ कर लेंगे ना। हाँ हाफ हाफ नहीं करना, पैसे तेरे ही लगने हैं। वही ना बात में। हाँ वीडियो बनाने का सीन नहीं आगा तो इलीगल काम कर रहे हैं, जड़ी शाल आओ नहीं है कि पाकिस्तान में इलीगल काम ही चल रहे हैं ज़्यादातर। आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा। जाते हुए हमें पैसे भरने पड़ते हैं क्योंकि शटल इतनी देर तक नहीं चलती यूनिवर्सिटी के, 20-30 जा रहे हैं यूनिवर्सिटी। आई होप कि आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर कर दें काइंडली और सपोर्ट करते रहें। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।